दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार आने के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के संबंधों में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। अमेरिका ने फैसला किया है कि वो सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में खशोगी की निर्मम हत्या के लिए सऊदी अरब के शक्तिशाली युवराज मोहम्मद बिन सलमान को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस रिपोर्ट को पढ़ लिया है और उन्होंने इस मामले में सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान से बातचीत भी की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का कहना है इस रिपोर्ट में कहा जा सकता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने खशोगी की हत्या की मंजूरी दी या फिर हो सकता है कि उनकी हत्या के आदेश दिए थे। पत्रकार खशोगी की हत्या से जुड़ी रिपोर्ट को तैयार करने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अहम भूमिका निभाई है। नाइजीरिया में पुलिस का कहना है कि जामफरा में अज्ञात बंदूकधारियों ने 300 से ज्यादा स्कूली छात्राओं का अपहरण कर लिया है। ये घटना शुक्रवार को जंगेबे शहर के उत्तर पश्चिम में हुई। पुलिस ने कहा कि सेना के साथ मिलकर पुलिस अगवा की गई 317 लड़कियों की खोज में जुटी है। उधर नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का कहना है कि सरकार अपहरणकर्ताओं के सामने ब्लैकमेल नहीं होगी। स्कूली बच्चियों के अपहरण को अमानवीय और पूरी तरह अस्वीकार्य करार देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह सरकार लुटेरों के आगे नहीं झुकेगी जिन्होंने फिरौती की रकम वसूलने के लिए मासूम स्कूली बच्चियों को निशाना बनाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता अगवा की गई स्कूली बच्चियों को सही सलामत बचाना है। अमेरिका में LGBTQ समुदाय के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अमेरिकी हाउस ने बृहस्पतिवार को इक्वालिटी एक्ट को पास कर दिया। अमेरिकी चुनाव प्रचार के दौरान जो बाइडेन का सबसे बड़ा एजेंडा यही रहा था कि वो LGBTQ समुदाय के खिलाफ हो रहे भेदभाव को कम कर सकें। और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने LGBTQ समुदाय के लिए ये बेहद ही बड़ा कदम उठाया है जिसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के दौरान सेरा वीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त करेंगे। 1 मार्च से 5 मार्च के बीच आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में PM नरेंद्र मोदी मुख्य भाषण भी देंगे। इसकी जानकारी कार्यक्रम के आयोजक IHS मार्केट ने दी। दुनिया में अब तक 11.39 करोड़ से ज्यादा संक्रमित, 25.29 लाख मौतें हो चुकी हैं, 8.98 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका रोज मिलने वाले मरीजों के मामले में दूसरे नंबर पर चल रहे ब्राजील के करीब आ गया है। बीते 24 घंटों में अमेरिका में 80,625 नए केस मिले हैं। ब्राजील में ये संख्या 63,908 रही। ब्राजील में 18 फरवरी को कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई और फिलहाल यहाँ पर 1.4 करोड़ मरीज हैं, यानी पिछले 9 दिन में यहाँ 4 लाख मरीज बढ़ गए हैं।